हरदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैसहा के हनुमान मंदिर कोटवा टोला में आज दिनांक 2 फरवरी 2021 दिन मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे के करीब ट्रैक्टर से जुड़ी चलंत राइस मिल के पलट जाने में ड्राइवर के साथ 7 वर्षीय बालक दब गया। बता दें कि कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैसहा के कोटवा टोला में स्थित हनुमान मंदिर के समीप कोटवा टोला ग्राम में जाती हुई सड़क पर चलंत राइस मिल के अनियंत्रित होने के बाद नंदलाल गुप्ता के घर पर पलट गई, जिसमें एक 7 वर्षीय बालक अखिलेश पुत्र रविंद्र के साथ ट्रैक्टर चालक कमलेश पुत्र भूखल ट्रैक्टर के चपेट में आकर दब गए। इस घटना की भनक ग्रामीणों को लगते ही मां के पर पहुंचकर बीच बचाव करने लगे तथा उनके अथक प्रयास से मिट्टी काट कर निकालने के बाद दबे हुए ड्राइवर को सुरक्षित बचाया गया तथा वही बच्चे का भी बीच बचाव किया गया। ग्रामीणों की मदद से घायल ड्राइवर कमलेश को 108 नंबर एम्बुलेंस से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं खड्डा थाने को सूचना मिलते ही खड्डा थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव के साथ हमराहियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस टूटी फूटी सड़क को लेकर यह घटना हुई है। खड़जा हुई सड़क के इर्द गिर्द ईंट के हट जाने की वजह से गाड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं और कोई ना कोई नुकसान हम ग्रामीणों का हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क का सुंदरीकरण ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते हम ग्रामीणों को आए दिन कोई न कोई घटना देखनी पड़ती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है। कैसे घटना हुई है? घटना हुई है बारिश से सड़क सब खदर गया है। हाँ। और सड़क खदरने के बाद से कोई सुनवाई नहीं होता है, उसे कोई कर्मचारी कोई अधिकारी देख रहे हैं, टूटा है। कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग रेता के रवैया आदमी है, हम लोग को बारिश से सड़क टूट गया, हम लोग को आने जाने को दिक्कत है, कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग गरीब आदमी, कोई से बात करते हैं तो हम लोग को दाब देते हैं सब। अच्छा, अभी यह जो ट्रैक्टर पलटी है, टलता पलटी है उधर से, ढाला से ढाल करती है उधर से। हाँ। ईटा खरक गया है। कितने लोग दब गए थे उसमें? दो, एक लड़का है तो लड़का निकल गया है। हाँ। और ड्राइवर है तो ट्रैक्टर में पलट गया है। ड्राइवर का क्या नाम था जानती है? कमलेश। कमलेश नाम था। वही से ढाला भराइल बा, सारी माटी कट गए बा, कुछ खंजा लोग उजार बाजार के ले गए बा, यही तरह वहाँ से संभाल तो गाड़ी संभाल नहीं है, ढरकी बात ढरकबे करी। हम यहीं पर रहनी है, तबे पर गाड़ी पलट गए है। एक बच्चा चटाई लेना टाली जर लिखा ला तो कमलेश नाम का लड़का बात में दबा गए है। तीनों से रोज सब एक अधिकारी सब नहीं सही कर लो, सरकार तो देखे नहीं क्या बात। ये जो पंच बाने तू ये बात बा प्रधान बाने तो कहे पर गाली देवे लगे थाने, सुनवाइये नहीं है। और सब लोग का झोपड़ी बाबा फौज बात सब लोग खाक बैठ जाता है, रोड सड़क बात बनता ही नहीं है। रेता खेती बात कट गए तो बलुआ बिहार बात वहाँ का मिली हंसते नहीं है, मजबूरी करे बा खाए के बा, वो बाल बच्चा रहबा नहीं करिए तो रहल कहाँ जाए। आज ये समय का देखनी है? आ ये देखनी है कि गाड़ी पलटल है, वही से गाड़ी आये है तो वही गाड़ी कोटल खड़ंजा रहल है, नहीं बालू रहल फिसल फिसल गिर गए है, समय से एकदम हमें जी मूर्ति की तरह नहीं ठाड़ा। हाँ, का नाम है आपके? हमारा नाम है बेला देवी जायसवाल। हमारे घर यही जुआ, ये दुकान है कोटवा टोला में घर बा हमार, ये मन दुकान है घर हमार ये बगल में बा। हमके समय से ये बा कि दोनों ओर से ढाला हाई जौन बात और एक बार टाली उलट गई, एक बार खोसी मर गई। आज बार देखा है कि गाड़ी वहाँ से ढरका है तो चक्रोट लीक भी नहीं है, बालू है कट करके वहाँ ड्राइवर दबा गया, पखुरा टूट गया फूट गया, बैलेंस से गया मेडिकल पर ब्लॉक पर। अच्छा, लड़का छोड़ गया अपन अपन लड़का जो है लगनी है जा आर पार के आदमी एक कट्ठा हमने का खेत नहीं, महा गरीब आदमी अब सनक गई नहीं है जा अपने बच्चा करती। कुछ पानी से आकाश के दोनों ओर से कुछ ये बगल वो बगल सारा खड़े अंजाए आदमी तूर दहल बा, यहाँ बन जाए गाँव के निगाह पर के रोड बन जाए कि गाड़ी घोड़ा आए तो बगल यहाँ के हरों से मौका मिल जाए। आज खड़ा बानी देखा तानी, खुद आँखी से हम देखा तानी, कहा तानी अरे बाप केकर लाल चता गए लोग, तो एक लड़का है तो लड़का बच गया भाई, ड्राइवर गए सारा टूट फूट गया है, फोन गया है ब्लॉक पर तो एम्बुलेंस आया है तो लेके गया है, बचेगा कि मरेगा? हमन के समस्या ये है, रेता खेत बाटे, गरीबी आदमी बानी,
सड़क एकदम दोनों को से एकदम कट गई बा, बगलियाए वाला लैकन के कुछ सुविधा नहीं है, खाली एक के गो जाता तो कौने को बगलियाई थी ड्राइवर आ कौने को नहीं बगलियाई। हाँ ये समझता हमन के बा, ये रास्ता बा, ये हमन के जाए वाला तौने पर अवधान होकर प्रधान होके लोग आता बेटी बहन बारी तो गोड़ लगाता हमको जिता दी है तो के आई देव आवास देव हौ देव हौ देव। आ जब जीतने के बाद तो घंटा हिलावा तू अब जाकर पैरगी करो प्रधान के तो प्रधान सुनते नहीं खे ए हम हे आई तो करब हो हे आई करब वही में कुचरा बा चुगला बा ओकर वाला कार हो जाता जो गरीब वाला आदमी बा ओकर कुछ हो नहीं पाता। ये हम उनका चाहता नहीं सड़क भी तन चौड़ा बन जा चौड़ा भी बन जा आई जान तन प्रधान अब से जो है ओके सबका सुनवाई करे नहीं बैठे जो चार गो बैठे उनके साथ वाला उनके तो सुने आ उनके न सुने आ तो प्रधान वोट वाला अब देखा का सुनवाई होता का नहीं होता लेकर खा लेता वो रोड बनवाते नहीं खेलो कुछ रोड बनवाता कुछ छोड़ देता लोहन ये कोनो प्रधानी है सरकार अगला वहां से पैसा कुछ देते भी बा लोग के बनवावे के लोग के इथी करे के तब वो सुविधा सोचत नहीं है। ये हमने का गांव बात है वो कोटवा टोला हलमान वन पोला तब ये कोटवा टोला बा ये तब वो गोल खाता बात है ये गोल खाता का मतलब बा तो रवे पचन सुधार करा दी लोग के जीवन में आखिर केतर खाई पी रेता खेता जाई। हमारे कुसुमावती नाम है। यहाँ पे आप क्या कर रही थी कि इस घटना को देखिए? सर मैं आई थी बच्चों को पोलियो को ड्राप पिलाने, आज भ्रमण का दिन है तो मैं उके भी आई ने यहाँ टाली पलटी हुई थी, लोग इकट्ठे हुए थे तो हमने जब देखा चारों तरफ से वो दोनों दबे हुए हैं तो उसको जितने आदमी थे अपने जैसे खुरपी से खंती से निकाले उस बच्चे को और उसको आदमी को। और उसके बाद हमने और किरण मिलके मेरी सहेली है किरण और विद्यावती तीनों लोग मिलके एम्बुलेंस का फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया और न्यूज वाले को फ़ोन किया। मौके पर एम्बुलेंस आया उस मरीज को लेके गया अपना इलाज कर रहा होगा। तो कोई मरा नहीं ना है इसमें? नहीं नहीं सर मरा नहीं है, बच्चा भी सेफ है, वो भी मनो पखुरा उखुरा टूट गया होगा, अब जाने के बाद डॉक्टर ही बता सकता है उसको हुआ क्या है। हाँ लेकिन इस रोड को जो है उसको अच्छे तरह से बनने चाहिए, काहे कि गरीब एरिया है ये अपने पेट के लिए मोहताज है, क्या करेंगे यहाँ पे सर। यहाँ बनना चाहिए रोड जो है सही से बनना चाहिए कि कहीं गाड़ी पलटे ना, किसी के बच्चे खाई में ना गिरे। क्या नाम है आपका? सुमन जायसवाल। किस पद पे हैं? सर आशा कार्यकर्ती हैं। जैसे गाड़ियाँ उलट जाती है? हाँ सर हम बगल के गांव के पकड़ी बिलाल के पूर्व प्रधान है नथुरी प्रसाद चौहान है। चूंकि हमारे ये सन्निकट के गाँव हैं हर स्थितियों की से मैं रूबरू हूँ। यहाँ की जो स्थिति है पहली स्थिति ये है ये सरकारी मिशनरी की गड़बड़ी है। आज खड़ंजा करवा दिया जा रहा है, चार दिन के बाद वो खड़ंजा समाप्त, ये स्थिति है। अभी आप इस जो ढाला बना है पूर्व में इसका एस्टिमेट निकलवाइए कितना चौड़ा और लंबा है और आज ये कितने में चल रहा है जरा इस पर गौर कर लीजिएगा। अगर वह नहीं होती तो आज यह घटना नहीं घटती। दूसरी चीज वह ड्राइवर का भी दोष है, जब मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं है तो फिर वो रास्ते से गया क्यों? अगर वह सड़क सकरी हो गई है तो उस रास्ते से गया क्यों? मैं देखा हूं अपनी आंखों से। मजबूरी है तब। क्या मजबूरी थी? जीवन से ज्यादा मजबूरी धंधा है? जीवन से ज्यादा मजबूरी है, ये जीव नहीं रहेगा तो क्या धंधा ही बाकी है? रास्ता सही हो जाता है कि किसी तरीके से बन जाता है तो क्या ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं समस्या तो नहीं समाप्त होगी, जानते क्यों? केवल रास्ता बना देने से नहीं होगा, इसका जो बगल का सपोर्ट है ये बिना सपोर्ट का है। अगर साइड से सपोर्ट दे दिया जाए एक मीटर तो रास्ता न टूटेगा ना ये समस्या आएगी। तो सपोर्ट न होने की वजह से ये रास्ता टूटा, सपोर्ट न होने की वजह से ये रास्ता टूटा।